और दोस्तों मैं यहाँ पर सब दे दिया हूँ। हाँ बहुत ही मस्त हुआ, थोड़ा खाते हैं बढ़िया से। तो गुड मॉर्निंग फिर से और एक वीडियो में। तो दोस्तों अभी मेरा पास है मछली, ये मतलब नमक से मतलब ये रखा है मतलब जमा करके, इसको मैं खाऊंगा बिल्कुल पूरा अपना स्टाइल, गांव का स्टाइल गाइस। इसको मतलब मैं खाऊंगा वो लौकी का पट्टी से मतलब मिक्स करके बनाऊंगा गाइस। तो गाइस यहां पर हमारे मतलब घर पे ही है वो लौकी की साग मतलब बढ़िया से रैप करके मतलब उसको बनाएंगे, कुकिंग करेंगे मस्त करके मिर्ची के साथ, प्याज के साथ, पूरा इतना डालेंगे मिर्ची, इतना डालेंगे मिर्ची ताकि मेरी बहन का भी पिछवाड़ा जले शाम को सुबह सुबह। क्यों नहीं चलेगा, सबका जलता है क्योंकि झेर झेर होता है, मिर्ची मिर्ची होता है। तो गैस यहाँ पर है लौकी की साग, पूरा हैंडसम हैंडसम मोटा वाला, इस पत्ते से हम लोग रैप करके खाते हैं लौकी की साग से, मस्त होते हैं गैस। या इसी का अंदर में डालेंगे मछली, अरे तो नंगा हो गया, इसको बढ़िया से वॉश करेंगे उसका बात ही पकाएंगे गैस। क्या कभी आपने इस तरह बना के खाया तो नहीं खाया था, देखना सीखना कि कैसे बनाते हैं इस पट्टी से। तो फाइनली बढ़िया से वॉश कर दिया हूँ, पूरा चकाचक हो गया गैस, वो प्रेस हो गया। आप चलते हैं वहाँ का जुगाड़ करते हैं, वहाँ का प्रोसेस आरम्भ करते हैं गैस, चलो या चलते हैं। और अपन लोग आज बहुत मजे से खाने वाला है, पूरा एकदम लोकल स्टाइल जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो गैस इसको बढ़िया से हैंडसम तरीके से वॉश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा गिल्स में नमक रहते हैं ये वाला, तो इसको इसलिए बढ़िया से वॉश करना पड़ता है। यहाँ पर तेल और नमक मिक्स कर रखा हुआ है। हैंडसम देखो अभी ले आ रहे, नहीं अभी नहीं मिलेगा बेचारा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बढ़िया से वॉश करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस आप में बन गया हूँ कसाई, इसको काटना पड़ेगा फाड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको बढ़िया से खाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, फिनिश कर दूंगा इसको। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पर हुआ, प्याज भी काट दिया हूँ, आप यहाँ पर मर्ची पूरा लाल रखाऊंगा, इस पत्ती में मिक्स करके रैप करके फ्राई करूंगा अपना स्टाइल गाइस। वाह पूरा मिर्ची गाइस, नमक की कोई आवश्यकता नहीं, इसे काम चलेगा प्याज के साथ और मिर्ची के साथ। वाह हल्दी भी लगा दिया। तो गाइस मर्द है ना, तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो टीका नहीं लग रहा, मिर्ची का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बात करो तो रात को हो जाएगा या सुबह सुबह हो जाएगा, ये इसका इफेक्ट मिर्ची का इफेक्ट बहुत ही डला मिर्ची गाइस, ये पूरा आधा तो मिर्ची डला में, मज़ा से खाएंगे गाइस। ये वाला पत्ता से बनाने वाले हैं लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल से खाएंगे, मजा 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 मजा। ओ माय गॉड करके, ओ या डबल डबल करेंगे, ये भी मस्त होता है खाने के लिए, ये मेरे लिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ, समझिए बहन के लिए छोटा है ना, ये बहन को दे दूंगा मैं, हाँ वो बहन के लिए। हम लोग चार मेंबर है ना, बड़ा वाला मेरे लिए, ये मेरे लिए इतना बड़ा, हाँ पत्ता भी बड़ा बड़ा सब बड़ा बड़ा। तो गाइस अभी यहाँ पर रुई से बांधना पड़ेगा हैंडसम करके ऐसे 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 ताकि ये बढ़िया से रहे, बहन को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बहन को, इसमें खजाना रखा है गाइस, खजाना खजाना। हमको भी नहीं मिलेगा, बहन को नहीं दूंगा, मजा से खाएंगे गैस, रहा नहीं जा रहा गैस। गैस तो यहाँ पर मतलब रुई से बांधा है पूरा गोल गोल पट्टा के अंदर मछली,
मछली और मिर्ची प्याज इसके पट्टे को फिनिश कर देंगे, मछली प्याज भी वो फिनिश कर देंगे, उसको हम लोग फ्राई करेंगे गाइस, मजा से खाएंगे। यहाँ पर पूरा लोकल सरसों के तेल, अपना घर का तेल पूरा कढ़ाई में गर्म हो रहा है, और यहाँ पर रखा हूँ 5 पीस मछली, यानी कि 4 पीस है, वो 5 कटोरी में बैक किया हूँ यहाँ पर अलग अलग करके सब बराबर करके। मस्त मस्त गाइस, और दोस्तों मैं यहाँ पर सब दे दिया हूँ, पूरा बन रहा है। तो गाइस फाइनली पक चुके हैं, इसको हम निकालेंगे। तो मैं तो ऑलरेडी ये 2 निकाल दिया हूँ ठंडा करने के लिए। वाह गाइस, तो फाइनली खाना पूरा रेडी हो चुके हैं। ये पूरा साग और ये मछली जिसे मैं बनाया हूँ, और ये बहन मेरी बहन ने बनाया है, ये टमाटर और ये गोभी के साथ बहुत ही मस्त होता है। थोड़ा टेस्टिंग करता हूँ गाइस। मस्त यार, वाह बहुत ही मस्त हुआ। थोड़ा खाते हैं बढ़िया से, मज़ा से, हैंडसम सब्जी, बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला। माय गॉड, और मैं साथ में दिया बहुत ही मस्त है, ये बन गया सब्जी। गाइस अभी ट्राई करना है, सा बहुत ही मस्त है यार, नहीं पछता होगा। माय गॉड, मछली बहुत दिया हूँ। और साग भी बहुत मस्त था। क्या बात है गाइस, वाह रुस लगाऊंगा पूरा बड़ा बड़ा खाऊंगा। तो यहाँ पर बहन भी खा रही है, तो मम्मी भी खा रही है, और यहाँ पर पिताजी भी खा रहे हैं। मस्त कर रहा है पिताजी, कैसा है मछली, मस्त है कि नहीं? बहुत मस्त। तो गाइस फाइनली खाना बना कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा रेस्ट किया हूँ, और यहाँ पर आ गया रूपम भाई हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लकड़ी उठाने के लिए, तो इसको बुलाया हूँ अभी कॉल करके। तो अभी जाएंगे हम लोग दोनों, तो चलो चलो। तो गाइस हमारा यहाँ का नदी बहुत ही हैंडसम होते हैं यार, फंस गया फंस गया फंस गया। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं रूपम भाई के घर पे, आते ही वेलकम, ये बुझे है बुझे बुझे ने वेलकम किया। अभी लकड़ियों वाला आदमी आता ही होगा ट्रैक्टर लेके, तो वो सब यहाँ पे जमा करेंगे। तो गाइस ये है पिताजी का सबसे पहला बाइक, उसको मेहनत से खरीदा है, तो ये इसका हो चुका है लगभग 18-20 साल से कुछ हो चुका है ना, तो इसको बस बेच रहा है किलो के बाद किलो के हिसाब से बेच रहा है पाल चार को, तो वह नहीं था पाल चार ना ओल मॉडल, तो दुख नहीं लग रहा है किलो का बिक्री करता है 25 रुपया, दुख नहीं लग रहा है तेरा पहला बाइक बेच रहा है। हाँ ये है, दुखी तो होगा, क्या करेगा, अगर बनाने से बहुत खासा रुपया लग जाएगा ना। तो भाई साहब लेने के लिए आया है किलो 25 रुपया लोहा के हिसाब से। तो दोस्तों अभी मुझे रूपम भाई मतलब हमारा घर पे पहुंचाने के लिए आया, तो थैंक यू भाई। अरे ऑलवेज वेलकम। तो गाइस वो तो मैं यहाँ पर रूपम भाई को मतलब वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ पर बहुत काम किया, लकड़ी उतरा मतलब लकड़ी ट्रैक्टर से लेके आया, मिल से वहाँ पर अनलोड किया, थक गया, रेस्ट किया। तो रेस्ट करने के बाद अभी रात हो चुके हैं, अभी रूपम भाई को वेट करूँगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, तो वो आने के बाद जाएंगे सीधा वहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी हमारा यहाँ पर नेटवर्क की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो ऑलरेडी तो रात हो चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से
और एक वीडियो पे। तो बढ़िया से रहना, मस्त करके रहना यार।